बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, एक दफ़ा फिर हम निकल चुके हैं फैसलाबाद से इस्लामाबाद की तरफ। तो आज का भी हमारा प्लान जो है वो नीलम वैली को ही एक्सप्लोर करने का है। कुछ चीज़ें जो लास्ट ओवर में नीलम वैली की रह गई थी, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की रह गई थी, इंशाल्लाह आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारा पहला प्लान है कि यहाँ से हम मुजफ्फराबाद पहुँचेंगे और वहाँ से फिर कुंडल शाही पहुँचेंगे और वहाँ से फिर जागरान से आगे फिर हमारा प्लान है कि बैबून टॉप पे जाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लान करेंगे। तो चलिए फिर आप भी चलें हमारे साथ, एंजॉय करें इस सफ़र को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक से बहुत दुआ है कि आज जो हम अपना सफ़र शुरू करने जा रहे हैं ये खैर खैरियत से गुज़रे। तो इस सफ़र में मेरे साथ मेरा हम सफ़र हैं उमैर और उसका छोटा भाई। तो हम टोटल तीन लोग जा रहे हैं इस सफ़र पे। दो बाइक्स हैं हमारे पास, सुजुकी GS 150। तो अभी इस वक्त हम बदलिया एक्सप्रेस हाईवे पहले पहुँचेंगे मरी, तो मरी से फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे मुजफ़्फ़राबाद। तो मुजफ़्फ़राबाद पहुंच के इंशाल्लाह हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर हमारा प्लान है कि वहां से पहुंचेंगे इंशाल्लाह जागरान। और कोशिश है हमारी कि 10-11 बजे तक हम जागरान पहुंच जाएं ताकि आज हम शाम तक बैबून वैली या बैबून टॉप तक पहुँच जाएँ। तो बाकी अल्लाह ताला को मंजूर है, इंसान का काम है प्लान करना और इसमें कामयाबी अल्लाह पाक की देते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये है जी मरी का वेदर। बहुत ही कमाल का मौसम आपके सामने ये हो चुका है। बादल बिल्कुल रोड्स के ऊपर आ रहे हैं और हम बादलों के अंदर से रोड्स को क्रॉस करते हुए अपना सफ़र कंटिन्यू किए हुए हैं। लें जिस वक्त हम मशहूर कोहाला ब्रिज क्रॉस करते हुए इंटर हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लें जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मुजफ़्फ़राबाद। तो अभी थोड़ा सा हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया है। तो अभी तकरीबन हो चुके हैं सुबह के 9:30। तो इस्लामाबाद से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे लगे हैं। तो अभी यहाँ से हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद फिर अगला सफ़र हमारा कंटिन्यू होगा। तो प्लान यही है कि हम इंशाल्लाह यहाँ से पहुँचेंगे जागरान और वहाँ से फिर निकलेंगे जीप के ज़रिए बैबून टॉप। तो चलिए फिर अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। लें जी, बैबून टॉप की तरफ हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ जाता है। तो अभी हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं घुटन से। तो प्लान तो हमारा ये था कि हम बाइक्स के ज़रिए पहुंचेंगे जागरान तक। तो जागरान तक ये जैसे आप देख भी रहे हैं रोड की कंडीशन अच्छी है, तो उसके आगे कच्चा रोड है। तो लेकिन मकामी लोगों से हमने मशवरा किया तो हमें पता चला ये इधर घुटन से अगर चले जाएं या जागरान से चले जाएं जीप के ज़रिए तो आलमोस्ट सेम ही रेंट चार्ज करते हैं। तो घुटन से जागरान तकरीबन कोई 16 किलोमीटर है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया क्यों ना इधर घुटन से ही जीप ले लेते हैं। एक तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस बचेगा, दूसरा थकावट बचेगी। तो इसलिए फिर हमने यहीं से ही जीप जो है वो ले ली है। तो 13,000 में हमें ये जीप मिली है 3 बंदों के लिए। तो
काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा है, तो बहरहाल इतना ज़्यादा सफ़र करके आए हैं हम, तो जाना तो बहरहाल है। तो अभी तकरीबन 2 बजे हैं, तो उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है कि शाम 5 या 6 बजे तक हम ऊपर टॉप तक पहुंच जाएंगे। तो प्लान हमारा ये है कि इंशाल्लाह रात हम ऊपर बैकून टॉप पे स्टे करेंगे। बाइक्स हमने इधर घुटन में ही पार्क कर दी हैं, तो जीप वाले भाई ने अपनी ज़िम्मेदारी पे बाइक्स जो हैं हमारी आर्मी के एक रिजॉर्ट में पार्क करवा दी हैं। तो अभी हमारा सफ़र जारी और सारी है बैकून टॉप की तरफ। इस वक्त हम जागरान पहुंच चुके हैं, जहां तक रोड का ट्रैक जो है कतरे बेहतर था। अब यहां जागरान से आगे जो है बैकून वैली या बैकून टॉप की ऑफ रोडिंग शुरू होती है, तो यहां का ट्रैक भी अच्छा खासा टफ और हाइट बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हो रही है। तो लेकिन जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो जैसे कि हम सोच के आए थे कि ये जगह, काफ़ी लोगों से हमने इसके मुतालिक सुना था, बड़ी खूबसूरत है। तो मुझे तो यकीन करें उनकी जो बातों से मुझे लगता था उससे कहीं ज़्यादा ये खूबसूरत जगह है। तो अभी ये पीछे देखें, हमारी जीप जो है वो ज़रा ठंडी कर रहा है पानी वगैरह से, इसके टायर जो है वो धो के ज़रा ठंडे कर रहा है। अब उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सफ़र मदीन शुरू होगा। तो आप देखें जागरान को, थोड़ा सा इंजॉय करें। जी इस वक्त हम बैकून टॉप के रास्ते पे हैं और चढ़ाई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये मेरे पीछे आपको ये बादल से नज़र आ रहे हैं पहाड़ की टॉप के ऊपर, तो हल्का सा रास्ता भी शायद आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ हमने जाना है इन बादलों से। तो ट्रैक इंतहाई टफ है, आज तक जितने भी ट्रैक मैंने लगाए हैं तो यकीन करें कि ये वाला ट्रैक जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा है। बहरहाल बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, और इसके खूबसूरत होने की मेरे ख्याल में एक बड़ी वजह यह है, क्योंकि ये मुश्किल है, थोड़े ज़ौक वाले लोग ही यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इस वजह से ये लोगों से बचा हुआ साफ़ सुथरा ट्रैक है। साफ़ सुथरा ट्रैक वाले से गंद नहीं है, रैपर्स नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल है। तो ले जी हमारा सफ़र आस्ता आस्ता चल रहा है टॉप की तरफ, बिल्कुल पहाड़ की टॉप क्रॉस करके हमने आगे जाना है। तो चले आप भी इंजॉय करें।
ले जी, इस वक्त हम बैबून टॉप पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये बैबून टॉप का पहला नज़ारा है, और वाकई पहले नज़ारे ने ही हमारे दिल खुश कर दिए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जितना मुश्किल सफ़र करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो सामने जिधर से हम सफ़र करके आए हैं वहाँ अभी तक सिर्फ और सिर्फ बादल है। एकदम हमने बादलों को क्रॉस किया है और ये पीछे हमारे बैबून टॉप आ चुका है। अभी थोड़ी सी उतराई है और उसके बाद फिर हम पहुँचेंगे अपने कैंप्स में। आज इंशाल्लाह हम कैंपिंग करेंगे, कल हमारी इंशाल्लाह वापसी होगी। देखें जी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कमाल का मौसम है। यकीन करें, ऐसा सीन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बादल नीचे से ऊपर आ रहे हैं और ये कर्व चल रही हैं, बादल इनके साथ साथ ऊपर निकलते हैं। और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि किस तरह का वसी बैबून टॉप है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लें जी, आखिरकार हम बैबून टॉप पहुंच चुके हैं। इस वक्त बिल्कुल हम बैबून टॉप के ऊपर खड़े हैं। तो रेजिडेंस भी हमने यहाँ, ये पीछे खैमा बस्ती है, यहाँ एक खैमा हमें मिला है एज ए रेजिडेंस। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी रेट्स जो हैं वो ज़्यादा किए हुए हैं। बहरहाल प्यार काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग के बाद हमें 2000 में एक खैमा मिला है तीन बंदों के लिए, और प्लस खाने पीने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें तकरीबन सारी अवेलेबल हैं। तो चिकन कढ़ाई का हमने ऑर्डर किया है, तो चिकन कढ़ाई का इस वक्त यहाँ पे जो रेट ये डिमांड कर रहे हैं ये 2500 है, प्लस 50 रुपए की रोटी। चलें, बहरहाल इनका हक बनता है कि जितनी हाइट पे ये आप ये बैठे हैं, तकरीबन कोई 14,000 फीट की हाइट बनती है, तो वहाँ पर चीज़ें लाना वाकई मुश्किल काम है। तो नीचे कुटन से हमें यहाँ तक पहुँचने में राउंड अबाउट जीप पर 4 घंटे तकरीबन लग गए हैं। तो रास्ता जो है वो जागरान तक तो अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन जागरान के बाद कुछ ना पूछें जो सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ी है कि इतनी ज़्यादा हाइट है, इतनी ज़्यादा स्टीप जो है वो चढ़ाई है कि मैंने आज से पहले कह लें कि इतनी ज़्यादा हाइट पे कभी जीप या बाइक या गाड़ी किसी किस्म की कोई भी चीज़ लेके नहीं गया। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ आते साथ ही जी पीछे आपने सीन देखे होंगे, उन्हीं बादलों वाले सीन जो हमने देखे हैं उन्हीं ने हमारे कह लें पैसे पूरे कर दिए हैं। तो बहरहाल अभी हम यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, सुबह को मंज़र देखेंगे। अभी तकरीबन शाम होने वाली है, तो सुबह को मंज़र देख के फिर इंशाल्लाह हमारी वापसी होगी। तो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन फैमिलीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है, कि फैमिलीज़ का यहाँ तक आना डेफिनेटली मुश्किल काम है। तो पहले हमारा प्लान ये बन रहा था कि बाइक्स पे यहाँ तक आ जाते हैं, तो लेकिन बिल्कुल भी बाइक पे आने का यहाँ कोई भी रिस्क ना ले, बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। और जीप जो है, जीप वाले ने हमसे लिए हैं 13,000 रुपया, जिसमें वो हमारे साथ इधर नाइट स्टे करेगा और शाम को वापस जाएंगे। तो बहरहाल
बहुत अच्छा टूर रहा हमारा ये बेबून टॉप। जी इस वक्त सुबह के तकरीबन 6 बज चुके हैं और इस वक्त हम बेबून टॉप पे मौजूद हैं। तो अभी थोड़ी सी हाइकिंग करेंगे। वो जो आपको मेरे पीछे एक पहाड़ नज़र आ रहा है, तो इरादा है कि इसकी चोटी पे थोड़ी सी हाइकिंग की जाए। तो लेट्स सी कहाँ तक जाया जाता है। तो चलिए फिर आप भी हमारे साथ चलें। अभी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हुआ चाहता है। यहाँ से वापस जाने का यकीन करें बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल वो जीप वाले भाई भी कह रहे हैं जी हमने जल्दी नीचे पहुँचना है ताकि अगली कोई सवारी हमें मिल जाए। तो बहुत अच्छा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया है। यकीन करें कि ऐसी मॉर्निंग जो यहाँ हमने स्पेंड की है सारी ज़िंदगी की याद बन के रह जाती है। और नो डाउट आज की ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तरीन सुबह है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कि आहिस्ता आहिस्ता ये देखें सूरज निकल रहा है और हर एक मिनट के बाद यहाँ पे मंज़र चेंज हो जाता है। कभी ये देखें धूप निकल आई है और कभी यकदम बादल कहीं से आ जाते हैं और धुंध छा जाती है, और कभी बादल आ जाते हैं वैसे ही घने। बहुत ही कमाल का मौसम है, यकीन करें। अल्लाह ताला की जितनी बड़ाई बयान करें यहाँ पे आगे कम है। बेइख्तियार मुंह से निकलता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने कितनी प्यारी दुनिया हमारे लिए बनाई है। तो अभी वापस जा रहे हैं, बहरहाल दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो बहरहाल दुनियादारी है, करना पड़ता है। चलें फिर आज का हम व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कोई नई डेस्टिनेशन के साथ मिलेंगे।